मेरा वार्ड मेरी समस्या में आज हम बात करेंगे कोटा दक्षिण नगर निगम के वार्ड संख्या 6 में आने वाले स्वामी विवेकानंद नगर की। जी हां, राजस्थान आवासन मंडल की स्वामी विवेकानंद नगर आवासीय योजना कोटा सन 1998 में प्रस्तावित की गई थी। इस आवासीय योजना में लगभग 2850 मकानों का निर्माण किया गया और इस आवासीय योजना को लगभग 24 वर्ष से भी अधिक समय होने पर भी कॉलोनी वासियों की मूलभूत सुविधाएं जो थी वो आज तक उपलब्ध नहीं की गई। सड़कें नालियां टूटी हुई पड़ी है, वहीं पार्कों का जो विकास है वो अभी तक भी नहीं हो पाया है। कई पार्कों में पानी भरा हुआ है तो कहीं पर सफाई व्यवस्था पुख्ता नहीं होने के कारण नालियों का पानी सड़कों पर बह रहा है। समय पर सफाई नहीं होने के कारण जगह जगह पर जंगली झाड़ियां उगी हुई है। अधिकतर मकान खाली पड़े हुए हैं जो भी कॉलोनियों के लिए बड़ी समस्या बन रहे हैं। इस संबंध में कई बार उप आवासन आयुक्त को अवगत कराया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कॉलोनी के 10,000 से अधिक परिवार परेशान हो रहे हैं। कॉलोनियों के लिए लोगों की मांग है कि उनकी कॉलोनी को नगर निगम में शामिल कर दिया जाए ताकि नगरीय सीमा के लोगों की तरह उन्हें भी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो सके। समस्या तो ये लाइट की, पानी की, पानी भरा हुआ रोडों पे, घर के सामने खड्डों में पानी भरा हुआ है। एक बार हाउसिंग बोर्ड के जो प्लॉट खाली उनमें लोग भाग रह रहे हैं, हीटर चला रहे हैं, लाइट पानी फोड़ रखा है, नाली फोड़ रखी है। और एक बार रोड लाइट बंद होने के बाद दोबारा चालू नहीं होती। JN से कहो तो धमकाता है, पार्षद वगैरह सुनवाई नहीं करता, कोई नहीं करता। सफाई नाम के तो यही नहीं है, नील सफाई नाम को तो कोई पूछता ही नहीं है। नाम बताने आपको अरुण त्यागी, 8 सेक्टर में रहता हूँ। सबसे बड़ी जो हमारे 8 सेक्टर के अंदर जो रोड जाता है अंदर जो मोहल्ले वासियों के लिए, वहाँ दोनों साइडों में मतलब अतिक्रमण हो रखा है, टापरें बना रखी है, उनके बच्चे खेलते रहते हैं, ट्रैक्टर ट्रोलियाँ खड़ी कर रखी है, आने जाने वाले उनसे कुछ कहते हैं तो उसके ऊपर वो लड़ाई झगड़ा हर भद्रता पे भी मतलब उतारू आ जाते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या 8 सेक्टर में प्रवेश करने की बहुत बड़ी समस्या है, तो एक अतिक्रमण। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है कि जिनकी ट्यूबलाइटें रोड लाइटें बंद हैं वो बंद ही रहेगी, बाकी की जो जलती है वो 24 घंटे जलती रहती है। तो उस अवैध जो लाइट हैं जो 24 घंटा जलती है उसको बंद की जाए। तीसरी समस्या यहाँ पे सफाई व्यवस्था, नालियाँ नाम की बनी हुई है बाकी उनकी कोई सफाई नहीं है। यहाँ मूलभूत सुविधाओं की बहुत कमी है, साफ सफाई वगैरह टाइम से नहीं हो पाती। जैसे आज तो सफाई हो गई है यहाँ सभी जगह, बाकी गलियों के अंदर सभी जगह बहुत गंदगी है, नालियाँ चौक रखी है, उनका पानी का निकास नहीं है सब। इस वजह से परेशानी बहुत आती है, बरसात के दिनों में काफ़ी परेशानी आएगी। रोड लाइटें समय पर चालू नहीं कर पाते हैं, कहीं बंद है, बहुत सारी समस्या। कितने लोग होंगे लगभग यहाँ पे जो परेशान हो रहे हैं? यहाँ लगभग 80% लोग जो रहते हैं वो सब परेशानी है। नाम बता दें आप? बनवारी विनय। कॉलोनी क्या है कि गांव जैसी कॉलोनी कर रखी है, इस कॉलोनी को बसे 24 साल हो गए, लगभग 90% कॉलोनी भर चुकी है और यहाँ मूलभूत सुविधाएं कुछ भी नहीं, गांव की तरह है। हाँ, नालियाँ सही है, रोड थोड़े ठीक हो गए, लाइट वाइट आए दिन जाती रहती है, और पार्क जो है 24 पार्क है, 24 पार्कों में से 2-5 पार्क पास वालों ने जो है विकसित कर रखे, बाकी का जो कुछ नहीं। हर साल टेंडर होता है लाखों के, है ना, और उसको कुछ नहीं। एक अतिक्रमण रोड पे इतने अतिक्रमण हो रहे हैं कि जो निकलना भी बड़ा दूसर हो जाता है, है ना। पार्क में जो असामाजिक तत्व तो आ जाते हैं, दारू पी के जो है ये करते, तो महिलाएं घूमने तक में से भी शर्म आती है। इस कॉलोनी का गांव जैसा हालत कर रखा है। रमेश नागर।